हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डाइस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि डाइस के टाइप्स क्या हैं और उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डाइस के टाइप क्या हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, हमने कल क्या क्या किया था। हमने किया था, मान लो हमारे पास एक डाइस है, ये वाली डाइस है, तो हमने टाइप कौन कौन से पढ़े थे। हमने टाइप पढ़े थे, पहला था स्टैंडर्ड टाइप और दूसरा था नॉन स्टैंडर्ड टाइप, यानी कि जनरल टाइप का डाइस। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये वाला डाइस है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड टाइप है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर कोई भी टू एडजेसेंट साइड्स हैं उनका सम कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस फेस के अपोजिट जो दूसरा फेस होगा उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 5, क्या इनका सम 7 है, नहीं है। अब इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, इनका सम कितना है, 9 है, 7 नहीं है। और यहाँ पर है 4 + 1 = 5, यानी कि किन्हीं भी एडजेसेंट साइड्स का जो सम है वो कितना नहीं है, 7 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कैसा है, ये डाइस एक स्टैंडर्ड टाइप डाइस है। अब अगर पूछ लिया जाए कि एक के विपरीत यानी कि अपोजिट क्या आएगा, तो हम बता सकते हैं कि एक के अपोजिट क्या आएगा। अब एक के अपोजिट जो भी संख्या होगी उनका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाता कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट हम बता सकते हैं कि क्या आना चाहिए, 3, तभी तो उनका सम 7 होगा। यहाँ पर है 5, अब 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट आ जाएगा 2, तभी इनका सम कितना होगा, 7 होगा। ये था स्टैंडर्ड टाइप। दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड टाइप। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड टाइप डाइस में क्या होगा, मान लो ये हमारे पास डाइस है कोई, अब नॉन स्टैंडर्ड टाइप डाइस में होगा किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम है वो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 7 होता है। तो हमें पता है कि ये कौन सी है, एक जनरल टाइप डाइस है। ठीक है, अब अगर हमसे इससे इसका पूछ लिया जाए कि बताओ कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम इसमें नहीं बता सकते कि 1 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप में तो हम बता सकते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप में अपोजिट साइड्स का सम कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि 1 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, लेकिन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट रूल क्या है, कोई भी एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में अपोजिट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर 1 है, तो 1 का एडजेसेंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 5, 1 का अपोजिट कौन नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, और इसी तरीके से 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। हमें बताना है कि 4 डॉट्स हैं उसके अपोजिट में कितने डॉट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है एक ही डाइस के दो पोजिशंस हैं। ठीक है, एक ही डाइस की दो पोजिशंस दी गई है और हमसे पूछा गया है कि 4 डॉट्स के अपोजिट कितने डॉट्स होंगे। अब देखो 4 डॉट्स कहाँ पर है, 4 डॉट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें 4 डॉट्स हैं, नहीं है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों पोजिशंस में क्या हुआ है, टू साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी कि टू साइड्स क्या है, इक्वल है। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है जब भी टू पोजिशंस हों और दो साइड्स इक्वल हों, तो हम क्या करते हैं, जो थर्ड साइड होगी वो आपस में क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा 4। समझ में आई बात, ये रूल क्या था, जब भी डाइस की टू पोजिशंस हों और उनमें टू फेस इक्वल हों। ठीक है, टू फेस इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर भी 1 है तो इसमें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 5 है और इसमें यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर बचा है 4, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगी। ठीक है, अब हमसे किसके बारे में पूछा था, हमसे पूछा था कि 4 डॉट्स के
अपोजिट क्या होगा, तो फोर डॉट्स के अपोजिट हम बता सकते हैं कि क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन टू क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। कल हमने वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी थी, क्यों कर दी थी, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रॉन्ग ले लिया था, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। ये वीडियो दोबारा से आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, टू पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर सोन व्हेन फोर इज एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप, ठीक है। यहाँ पर भी एक डाइस की दो पोजिशंस हमें दी गई है, क्या बोला गया है, व्हेन फोर इज बॉटम व्हाट विल नंबर विल बी ऑन द टॉप, जब फोर बॉटम पे होगा तो टॉप पर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर से क्या देखते हैं, हम देखते हैं कितने फेस कॉमन है, यहाँ पर हमने देखा एक है, यहाँ पर भी एक है, क्या और कोई फेस कॉमन है, और कोई भी फेस कॉमन नहीं है। जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होता है एक के अलावा, तो हम क्या करते हैं, जो फेस कॉमन होता है उसको आपस में एक दूसरे के अपोजिट यानी कि नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जब हम क्लॉकवाइज चले तो एक के बाद क्या है, दो है, और दो के बाद है तीन, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमें चलना पड़ेगा, एक के बाद क्या आएगा, सिक्स आएगा, और सिक्स के बाद आएगा फाइव, ठीक है। यानी कि टू के अपोजिट क्या आ गया, सिक्स आ गया, और थ्री के अपोजिट आ गया फाइव। अब हम वन के अपोजिट बता सकते हैं, वन के अपोजिट क्या होगा, वन के अपोजिट सिर्फ एक नंबर बचा है, कौन सा, फोर, तो वन के अपोजिट हो गया फोर। एक तो था ये रूल, दूसरा रूल क्या है, देखो दूसरा रूल है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। अब एक के अलावा देखो, यहाँ पर जो भी एडजेसेंट होगा एक के, वो एक के अपोजिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वन है, वन के एडजेसेंट क्या है, थ्री, थ्री वन के अपोजिट नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से सिक्स भी नहीं हो सकता और फाइव भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक नंबर बचा है, क्या बचा है, फोर बचा है, तो वन के अपोजिट क्या आ गया, फोर आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रूल, ठीक है। जब हमने एलिमिनेट करके देख लिया कि कौन कौन नहीं हो सकता, ओके, दोनों बातें समझ में आई, अब चलते हैं आगे। अब आज हम नया क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस, ठीक है। अभी तक हमने क्लोज डाइस की है, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक डाइस को ओपन करके यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के अपोजिट है, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक पैटर्न है, पैटर्न काफ़ी हैं, डाइस को ओपन करने के पैटर्न काफ़ी है, वो किसी भी तरीके से खोल सकता है, लेकिन आपको उससे कोई परेशान नहीं होनी चाहिए। उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, क्या है, जब भी हम एक ओपन डाइस को देखेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के अपोजिट है। क्या करेंगे, हमें ये वाली लाइन पकड़नी है, सबसे लंबी वाली, ठीक है। यहाँ पर लाइन है, ये हमने देखी, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर वन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा वन, वन के अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, एक छोड़ के अगला, यानी कि वन के अपोजिट होगा ये वाला नंबर, वन के अपोजिट आ गया फाइव। अब ये दोनों तो हो गए, उसके बाद है थ्री, यहाँ पर थ्री लिया, अब थ्री किसके अपोजिट होगा, थ्री होगा इसके अपोजिट, ठीक है, इससे अगले वाला, तो थ्री हो गया सिक्स के अपोजिट। अब सिर्फ टू नंबर बचे हैं, कौन कौन से, टू और फोर, तो टू हो गया वो किसके अपोजिट होगा, फोर के अपोजिट होगा, ओके, समझ में आ गई बात, क्या बोला है मैंने, यहाँ पर हमें सबसे लंबे वाली लाइन पकड़नी है, उसमें क्या करना है, जो पहले वाला नंबर है वो लिख लिया, वो किसके अपोजिट होगा, एक छोड़ के अगले नंबर से, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब थ्री किसके अपोजिट होगा, थ्री होगा सिक्स के अपोजिट, इसी तरीके से टू किसके अपोजिट होगा, टू होगा फोर के अपोजिट, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर एक और तरीके से डाइस को ओपन करके रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर एक और डाई को ओपन करके रखा गया है। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से ओपन किया है, इस तरीके से, अब की बार उसने कर दिया है इस तरीके से कॉमन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भी हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से के अपोजिट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वही काम है, हम लाइंस को पकड़ेंगे, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर भी तीन बॉक्स हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला बॉक्स किसके अपोजिट, तीसरे के, यहाँ पर ये वाला बॉक्स किसके अपोजिट, इसके, यानी कि सिक्स है वो किसके अपोजिट है, थ्री के है, और जो फोर है वो किसके अपोजिट है, फाइव के है। अब सिर्फ दो बचे हैं, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो वन किसके अपोजिट हो जाएगा, वन हो जाएगा टू के अपोजिट, ठीक है, समझ में आया। जब ओपन डाइस होगी हमारे पास, तो हमें क्या करना है, लाइंस को पकड़ना है,
ठीक है, लाइंस को जब हम पकड़ेंगे तो उसके उसमें हम क्या करेंगे, एक के बाद एक अल्टरनेट चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने ये पिक किया तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, एक छोड़ के अगला। ठीक है, फिर हमने ये वाली लाइन ली, इसमें इसके एक छोड़ के अगला, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ द सरफेस ऑफ द अबोव डाई आर रिकंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म ए परफेक्ट डाई, हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग थ्री डॉट्स। हमें बताना है कि थ्री के अपोजिट क्या होगा। तो हमने निकाला, क्या निकाला, कि थ्री के अपोजिट क्या आया है, थ्री के अपोजिट आया है सिक्स, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सिक्स। ठीक है, अगर वो हमसे फाइव के बारे में पूछ लेता तो फाइव के अपोजिट फोर था और टू के अपोजिट क्या है, वन है। इन क्वेश्चंस में मोस्टली 99% वो क्या पूछता है, अपोजिट फेस पूछता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक और डाई हमें खोल के दिखाई गई है। ठीक है, ये एक और अलग तरीके से खोल दिया है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से वो खोल सकता है। इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, इसमें भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, हमें चलना है लाइन की तरफ। यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ पर हम करेंगे वही रूल, टू के अपोजिट क्या आएगा, टू के अपोजिट आएगा फोर और वन के अपोजिट आएगा सिक्स। ठीक है, तो फाइव किसके अपोजिट हो गया, फाइव हो गया थ्री के अपोजिट। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि कौन सा नंबर कौन से नंबर के अपोजिट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है द नंबर ऑफ ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज, इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या है, राइट है, वो हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी, जो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है, कोई एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा और तीन नहीं होंगे, तो हमें वो देखना है। सबसे पहले हमने देखा ऑप्शन ए, यहाँ पर देखा थ्री फाइव वन, लेकिन जो थ्री और फाइव है यहाँ पर, ये क्या है, ये तो अपोजिट है। ठीक है, थ्री और फाइव क्या है, अपोजिट है, तो हम इन दोनों को आपस में एडजेसेंट तो नहीं रख सकते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में हमने देखा टू फोर सिक्स, लेकिन टू और फोर क्या है, ये आपस में अपोजिट है, तो यहाँ पर एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या हो गया, ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि जो अपोजिट अपोजिट फेस होंगे वो आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारा रूल है, लेकिन यहाँ पर क्या बैठे हैं, एडजेसेंट बैठे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि ये वाला जो बॉक्स है ये नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर है थ्री फोर वन। ठीक है, थ्री फोर वन क्या कोई किसी के अपोजिट है, यहाँ पर नहीं है, कोई एडजेसेंट है, नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया है। ओके, अब इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी, यहाँ पर क्या है, थ्री वन और सिक्स, लेकिन यहाँ पर वन और सिक्स क्या है, अपोजिट है, तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर एडजेसेंट बैठा रखे हैं, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। आप लोगों को जो ओपन डाइस अगर खोल के, यानी कि ओपन करके दिखाया गया है, तो उसमें हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं, बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है अगला क्वेश्चन, अभी तक हमने डाइस की टू पोजीशंस की हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। अब यहाँ पर कितनी पोजीशंस हैं, यहाँ पर एक डाइस की तीन पोजीशंस हमें दी गई है, ये है पहली, ये है दूसरी और ये है तीसरी वाली। ठीक है, तीन पोजीशंस हैं और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है थ्री पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग फोर डॉट्स। हमें बताना है कि फोर डॉट्स के अपोजिट क्या होंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है, फोर डॉट्स के अपोजिट क्या होंगे। हमने अभी तक क्या क्या रूल पढ़े हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला रूल था हमारा, जब हमारे पास टू पोजिशंस हों, किसी भी डाइस की टू पोजिशंस होती हैं, तो हम उनको कैसे चेक करते हैं। एक तो जब एक फेस कॉमन होता है हमारे पास, जब एक फेस कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस फेस को कॉमन मान के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम वहाँ से चलते हैं, तब हम उनकी पोजिशंस, यानी कि उनके जो अपोजिट हैं उनको काउंट करते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है जब हमारे पास टू पोजिशंस हों किसी डाइस की, तो उसमें क्या करते हैं, जब उसमें टू फेस कॉमन होते हैं तो क्या होता है, जो तीसरे वाला फेस होता है दोनों का, वो आपस में अपोजिट हो जाता है। अभी तक हमने ये किया है। ठीक है, अब यही दोनों केस
हमें इनमें अप्लाई करना है। अब चाहे तीन केस हों या चार केस हों, कितने भी केस देगा वो आगे, हम सब वे दोनों रूल ही इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो दोनों रूल हमें इसमें अप्लाई करना है, ओके। अब देखो, हमें निकालना है फोर डॉट्स के अपोजिट। अगर हम देखें यहाँ पर है 3, 5 और 6, ठीक है, यहाँ पर है 1, 4 और 2, क्या कोई नंबर आपस में कॉमन है? कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का हम आपस में कंपैरिजन नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट और थर्ड, इसमें कौन कौन कॉमन है। इसमें कॉमन है 3 और ओनली 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक और कॉमन है, एक और कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, ठीक है। जब दो कॉमन होते हैं तो हम क्या करते हैं, टू पोजिशंस की जब हम कंपेरिजन कराते हैं और टू कॉमन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो तीसरे वाला होता है वो उसके आपस में अपोजिट होता है। यानी कि यहाँ पर 5 है तो 5 किसके अपोजिट हो गया, 5 हो गया 4 के अपोजिट, ठीक है। 5 किसके अपोजिट हो गया, 5 हो गया 4 के अपोजिट, ओके। हमसे किसका पूछा था, हमसे पूछा गया था कि 4 डॉट्स के अपोजिट क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 5 आएगा, ठीक है। अगर और मान लो हमें और नंबर्स निकालने होते तो हम क्या करते, अब हम कंपैरिजन इसका करवा सकते हैं सेकंड और थर्ड का। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड में हमारे पास देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसके अलावा कुछ कॉमन है, नहीं है। जब इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो पार्ट हमारा कॉमन है, जो फेस कॉमन है उसको लेते हैं 4। यहाँ पर 4 है, 4 ले लिया, इसके नीचे मैंने 4 लिख लिया। अब 4 से हम चले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चले, जब कितना आया, 2 आया, और उसके आगे है 1, ठीक है। अब यहाँ से भी सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम चले 4 से आगे कितना, 3, और 3 से आगे कितना, 6, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट क्या है, 3 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। अब सिर्फ एक नंबर बचा है, कौन सा, 5, तो 5 किसके अपोजिट होगा, 5 होगा 4 के अपोजिट, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई सभी को, ठीक है। कल हमने कुछ इसमें एक बात और बताई थी, वो आप लोगों को हटा लेनी है। क्या, मैंने बोला था कि सिर्फ जहाँ पर एक फेस कॉमन होगा वहीं पर हमें कंपैरिजन करना है, ऐसा नहीं है। हम जहाँ पर 2 फेस कॉमन होंगे वहाँ पर भी कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को करेक्ट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फिर से एक ओपन डाइस हमें दी गई है और इसमें क्या बोला गया है, द एडजेसेंट फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें निकालने हैं इनके अपोजिट। अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट के लिए हम करेंगे सेम रूल, लाइन की तरफ, ठीक है। इसके अपोजिट कौन होगा, इसके अपोजिट हो गया ये, और इसके अपोजिट हो गया ये वाला, ठीक है। अब सिर्फ 2 बचे हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या हो गए, ये भी आपस में अपोजिट हो गए, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है विच सिंबल विल नॉट बी एडजेसेंट टू द सिंबल। अब सिंबल मान लो यहाँ पर है ये वाला 0, ठीक है, सिंबल है हमारे पास 0। अब हमसे पूछ लिया जाए अगर 0 के एडजेसेंट कौन नहीं हो सकता, तो हमें पता है कि एडजेसेंट कौन नहीं होगा, जो सिंबल उसके अपोजिट होगा वो उसके एडजेसेंट नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट है ये वाला, ठीक है, और इसके अपोजिट कौन सा है, इसके अपोजिट है ये वाला, अब इसके अपोजिट है ये वाला, ठीक है। हमसे किसका पूछा गया है, हमसे पूछा है इस वाले का कि इस सिंबल के एडजेसेंट कौन नहीं हो सकता, तो इस सिंबल के एडजेसेंट कौन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3, ये वाला, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई और सिंबल है, हम ये वाला सिंबल ले लेते हैं, ये वाला, जब हमने ये वाला सिंबल लिया तो इसके एडजेसेंट कौन नहीं हो सकता, तो इसके एडजेसेंट नहीं हो सकता कौन सा, जो इसके अपोजिट है, अपोजिट में कौन है, अपोजिट में है ये वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर कब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द फिगर ऑब्टेन्ड बाई फोल्डिंग द पेपर टू फॉर्म ए क्यूब। अब यहाँ पर हमें पता है कि कौन सा नंबर, कौन सा सिंबल किसके अपोजिट है, ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पता किया था। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्यूब है जो बन सकता है, ठीक है, वो हमें देखना है। जब हम
पहले वाला देखता है, ऑप्शन फर्स्ट हम लेते हैं, तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर डबल एरो है। अब ये दोनों तो आपस में क्या है, अपोजिट है। ये वाले क्या है आपस में, अपोजिट है। तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में हमने देखा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट है। तो ये वाला भी क्या हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, सॉरी, ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन थ्री, थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड में क्या है, देखो फिर से क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों एडजेसेंट हैं, इसलिए ऑप्शन थ्री भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो बचा हुआ क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, इसको देख लेते हैं, क्या कोई आपस में अपोजिट है, यहाँ पर कोई भी आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, यहां पर क्या है, चूज द क्यूब दैट विल बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द सीट ए पेपर शोन इन प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, यहां पर हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है और यहां पर है आंसर फिगर, हमें फाइंड करना है कि कौन सा हमारा राइट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है कि हमें पता करना होता है कि कौन सा सिंबल कौन से के अपोजिट है। तो सेम पैटर्न हम फिर से फॉलो करेंगे, हमें चलना है लाइन की तरफ, लाइन यहाँ पर है। अब ये इसके अपोजिट हो गया और ये वाला इसके अपोजिट हो गया और ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हम देखते हैं ये वाला किसके अपोजिट है, ये वाले के नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, ये वाला है किसके, स्टार के अपोजिट, और ओ किसके है, यानी कि इसमें से कोई भी आपस में अपोजिट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, देखो दो जगह तो ओ नहीं हो सकते। ठीक है, दो जगह तो ये सेम हो नहीं सकते, यहाँ पर चेंज होना चाहिए था कुछ, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या आपस में वो है, ये दोनों देखो, ये दोनों सिंबल्स क्या हैं, आपस में यहाँ पर अपोजिट हैं, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, एडजेसेंट दिए हैं। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में देखो स्टार और ये वाला ये क्या है, ये यहाँ पर अपोजिट हैं लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन ए है। ठीक है, जब भी हमारा आंसर आ जाएगा हमें आगे नहीं देखना है, बाकी ये तो मैंने आपको करके बताया है कि हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया गया है फोर पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस हैव बीन शोन। ठीक है, एक ही डाइस की फोर पोजिशंस हमें दी गई है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच प्रोवाइड्स करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच नंबर वुड बी अपोजिट टू थ्री, तीन के अपोजिट क्या होगा, हमें बताना है इसमें कि तीन के अपोजिट क्या होगा। तो हम बता सकते हैं, कैसे बताओगे बताओ, कोई भी टू केस हम यहां पर उठाएंगे। ठीक है, मान लो हम पहले और दूसरे केस को आपस में देखते हैं, तो इनमें क्या कॉमन है, यहां पर है फोर, यहां पर है फाइव और थ्री, यहां पर है सिक्स वन और फोर, इनमें सिर्फ एक कॉमन है, कौन सा, ये वाला फोर कॉमन है। अगर हम इसी को कॉमन मान लेते हैं, कॉमन तो है ही, इसी से हम करना चाहें तो यहां पर फोर लिखा, यहां पर भी हमने फोर लिख लिया। अब यहां पर हमने क्या किया, अब हम चले क्लॉकवाइज, जब हम क्लॉकवाइज चले तो कितना आया, फाइव आया। अब फाइव के आगे फिर से क्लॉकवाइज चले तो कितना आया, तीन आया। अब यहां पर भी हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो फोर से जब हम आगे चले क्लॉकवाइज तो कितना आया, सिक्स आया, और जब सिक्स से आगे चले तो कितना आया, वन आया। ठीक है, अब हमें पता लगा कि फाइव के अपोजिट क्या है, फाइव के अपोजिट है सिक्स और थ्री के अपोजिट है वन, तो फोर के अपोजिट क्या होगा, फोर के अपोजिट सिर्फ एक नंबर बचा है, कौन सा, फोर के अपोजिट बचा है सिर्फ टू, तो फोर के अपोजिट क्या हो गया, टू हो गया। अब हमसे पूछा था कि थ्री के अपोजिट क्या होगा, तो थ्री के अपोजिट हम आसानी से बता सकते हैं कि थ्री के अपोजिट क्या आएगा,
थ्री की अपोजिट आएगा वन, यानी कि ऑप्शन थ्री क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि फाइव के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ से फाइव के अपोजिट क्या होगा, फाइव के अपोजिट होगा सिक्स, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन वन। ठीक है, आसान था बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सिलेक्ट फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द सीट एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि यहां पर एक ओपन बॉक्स है, उसको क्या करना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म ये बन सकता है। ठीक है, क्लोज बॉक्स बन सकता है। अब फिर से हम क्या करते हैं, हम आपस में देख लेते हैं कि कौन सा नंबर कौन से के अपोजिट है। तो जो F है वो किसके अपोजिट है, वो है B के अपोजिट, ये B है। ठीक है, और जो E है वो किसके अपोजिट है, C के अपोजिट है। तो A किसके अपोजिट है, A है D के अपोजिट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें ऑप्शंस चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर फोर दिए गए हैं, पहले में देखते हैं बी ई एफ, क्या ये संभव है बी ई एफ। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए के अपोजिट क्या है, डी है, एफ के अपोजिट क्या है, बी है, और सी के अपोजिट है ई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बी ई एफ, क्या बी ई एफ संभव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बी और एफ क्या है, आपस में अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने आपस में एडजेसेंट किए हुए हैं, तो ये हो गया रॉन्ग। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, एफ डी ई, क्या एफ डी ई में आपस में कोई भी अपोजिट है, एफ कहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और ई यहाँ पर है, यानी कि सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सी की तरफ, सी में क्या है, ई सी बी। अब लेकिन सी और ई तो क्या है, अपोजिट है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, एडजेसेंट दिया गया है, ये दोनों यहाँ पर एडजेसेंट दिए हैं, तो ऑप्शन सी बी कैंसिल हो गया। अब चलते हैं डी की तरफ, डी में क्या है, ई डी ए, लेकिन ए और डी क्या है, एडजेसेंट है, यानी कि यहाँ पर तो अपोजिट है, यहाँ पर दिए गए हैं एडजेसेंट, तो ये हो नहीं सकते, तो ऑप्शन डी भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, फर्स्ट है बी ओनली, ए ओनली, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया, यानी कि बी ओनली, बी वाला क्या है हमारा, राइट है। ठीक है, यही हमें बताना था, तो ये वाला हमारा हो गया राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, When a box is unfolded, the figure looked like the given one. What are the faces opposite to 4 and 5 respectively? हमें बताना है कि 4 और 5 के अपोजिट क्या क्या आएगा, तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट के अपोजिट क्या है, 3 है, 4 के अपोजिट क्या है, 6 है, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आएगा 5। अब हमें बताना है 4 और 5 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया, और 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट आया है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, 6 और 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स एंड इट्स 3 डिफरेंट पोजीशंस आर गिवन ब्लो। ठीक है, एक डाइस को 3 बार उछाला गया है और उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं वो यहाँ पर दी गई है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 3, हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 3 के अपोजिट क्या आएगा, कोई भी दो हम यहाँ पर से ले लेते हैं, मान लो ये पहला केस है, दूसरा केस है और तीसरा केस है, तो फर्स्ट दो को अगर हम कंपैरिजन कराएं, इनमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, इसमें दो कॉमन है, कौन कौन है, 1 और 3, यहाँ पर क्या है, 1 और 3। ठीक है, तो हमें पता लग गया है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आ गया 5। ठीक है, जो बचा हुआ है वो बचे हुए के अपोजिट। अब 3 और 1 के अपोजिट तो हम बता नहीं पाएंगे इन दोनों से, तो हम कोई और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लो ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। ठीक है, जब 3 कॉमन है तो हम क्या करते हैं, 3 को यहाँ पर लिखा, 3 के जब क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, 5 आया, और 5 से जब आगे क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, 1 आया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा, 3 के आगे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के आगे आएगा 4, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, और 1 के अपोजिट आ गया 4। अब 3 के अपोजिट सिर्फ एक नंबर हो सकता है, कौन सा, 6, तो 3 के अपोजिट आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है।
ठीक है, कोई भी दो हमें लेना है और उनका आपस में कंपैरिजन करवा देना है, ठीक है। अगर जब टू नंबर्स कॉमन होंगे तो सिर्फ जो बचेगा वो हम बता सकते हैं कि वो उसके अपोजिट है। बाकी अगर जहाँ पर भी एक नंबर वहाँ पर कॉमन होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। इससे हम सभी नंबर्स के अपोजिट पता कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम यही रूल अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू सिक्स, हमें बताना है कि सिक्स के अपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सिक्स कहाँ कहाँ पर है। सिक्स है यहाँ पर, सिक्स है यहाँ पर, और सिक्स है यहाँ पर, तीन जगह पर है। यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 2 4 है, ठीक है। यहाँ पर है 6 4 5। अब अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करवा देते हैं, फर्स्ट और थ्री, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉमन है, कौन, सिक्स कॉमन है, तो सिक्स को यहाँ पर लिख लिया, सिक्स को यहाँ पर लिख लिया। आप किसी का भी करवा सकते हैं कंपैरिजन, ज़रूरी नहीं है कि इसी का और इसी का करवाएं। आप करवा सकते हैं इनका, ठीक है, इसका करवा सकते हैं, इसका करवा सकते हैं, ठीक है, किसी का भी आप कंपैरिजन करवा सकते हैं। लेकिन जब एक फेस कॉमन होता है तो हम लगभग सभी जिसके आपस में अपोजिट होते हैं वो निकाल देते हैं, ठीक है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पर एक फेस कॉमन होता है उसको पिक करते हैं ताकि हम सभी के सभी अपोजिट निकाल पाएँ, ठीक है। इसलिए हमने क्या पिक किया है, ये पहले वाला कंडीशन और दूसरे वाली कंडीशन, ठीक है। अब सिक्स सिक्स ले लिया, सिक्स के जब हम क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, टू आया। अब टू के क्लॉकवाइज चलने पर क्या आया, थ्री आया। इसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे, सिक्स के आगे क्या आएगा, फाइव, और फाइव के आगे आएगा फोर, ठीक है। यानी कि टू के अपोजिट क्या है, फाइव है, और थ्री के अपोजिट है फोर। तो सिक्स के अपोजिट क्या आएगा, सिक्स के अपोजिट आएगा वन, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सिक्स के अपोजिट क्या आएगा, तो सिक्स के अपोजिट आएगा वन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। टू पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, वह नंबर वन इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। हमसे पूछा गया है कि अगर वन है ना वो टॉप पर होगा तो बॉटम पर क्या होगा, यानी कि वन के अपोजिट क्या होगा। देखो इन दोनों में फिर से हम देख लेते हैं कि कॉमन पार्ट क्या है। यहाँ पर क्या है, फोर है, यहाँ पर भी फोर है, यहाँ पर क्या है, सिक्स है, यहाँ पर भी सिक्स है। यानी कि जब टू कंडीशंस है हमारे पास और टू फेस कॉमन है तो तीसरा फेस क्या होता है, तीसरा फेस आपस में अपोजिट होता है। यानी कि वन के अपोजिट क्या आएगा, वन के अपोजिट आ गया फाइव। अब हमसे पूछा गया है कि वन अगर टॉप पर है तो बॉटम पर क्या होगा, तो बॉटम पर होगा फाइव। यानी कि ऑप्शन सेकेंड क्या है, राइट आंसर है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था, इसलिए उसमें जो करवाया था वो रॉन्ग हो गया था, इसलिए उसके जो वीडियो थी उसको डिलीट करना पड़ा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए दोबारा से ये वीडियो लेके आया हूँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हेयर फोर पोजिशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन, विच साइन विल बी अपोजिट टू प्लस। यहाँ पर फोर पोजीशंस फिर से दी गई है, इसमें हमें बताना है कि प्लस के अपोजिट कौन सा साइन आएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी टू ले लेते हैं हम केस, मान लो हम लेते हैं ये दोनों केस, ये दोनों, इनमें दो फेस कॉमन है, एक ये वाला और एक ये वाला। हम ऐसा लेते हैं जिसमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक फेस कॉमन हो। अगर हम इसको ले लें, इन दोनों को, तो सिर्फ एक फेस कॉमन है, कौन सा, ये वाला कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब इसके हम चले क्लॉकवाइज, जब यहाँ पर क्लॉकवाइज चले तो क्या आया, मल्टीप्लाई का निशान आया, उसके बाद माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम चलना पड़ेगा, ओपोजिट ये ओ के बाद क्या आया है, प्लस आया है, और प्लस के बाद क्या आएगा, परसेंटेज, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं प्लस के अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इनकी ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर है। और अगर हमसे पूछ लिया जाता कि ओ के अपोजिट क्या आएगा, तो ओ के अपोजिट सिर्फ एक साइन बचा है, कौन सा बचा है, डॉलर, तो ओ के अपोजिट आ जाएगा डॉलर, ठीक है। समझ में आया सभी को, आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। इस क्वेश्चन की वजह से मैंने जो कल वाली वीडियो थी वो डिलीट की थी। यहाँ पर क्या है, देखो मैं बता देता हूँ।
यहाँ पर जो पोजीशंस दी गई है इन टू डाइस की ये रोंग है। क्यों? यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है। जब सेम फेस यहाँ पर दिया गया है तो इन दोनों की पोजीशंस डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है? जब यहाँ पर सेम प्लेस पे हैं तो इन दोनों की पोजीशंस डिफरेंट नहीं हो सकती, समझ में आई बात? इसलिए ये वाला क्या है? रॉन्ग है। बाकी मैं आपको करवा देता हूँ कि हम इसका आंसर तो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? ए का हमसे पूछा गया था तो ए का हम इन दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी मैंने इसलिए डिलीट किया कि हो सकता है यहाँ पर हमारे पास सी के अपोजिट क्या आएगा? एफ आएगा। जैसे मैं करवा के बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर इन दोनों में हमने कॉमन देखा, क्या है? ए कॉमन है तो ए हमने लिख लिया। अब ए के जब क्लॉकवाइज चले तो क्या आया? बी आया। और बी के क्लॉकवाइज चलने पर क्या आया? एफ आया। इसी तरीके से यहाँ पर चले तो यहाँ पर ई आया और ई के बाद आया सी, ठीक है? यानी कि बी के अपोजिट क्या है? ई है। और एफ के अपोजिट है सी। और ए के अपोजिट क्या आ गया? ए के अपोजिट आ गया डी, ठीक है? ये तो हमने निकाल दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एफ और सी तो क्या है? एफ और सी अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर तो इसने एडजेसेंट बैठाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया था। यानी कि ये वाली जो डाइस है ना, इसकी प्लेसिंग यहाँ पर रोंग की गई है, ठीक है? आप में काफ़ी को ये डाउट हो सकता था कि सर अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ये आपस में एडजेसेंट कैसे बैठे हैं, ठीक है? ये मैंने बात कल बताई नहीं थी, ध्यान नहीं था, इसलिए वो वीडियो मैंने डिलीट की थी, ठीक है? अब समझ में आ गई बात। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सी और एफ की यहाँ पर प्लेसिंग रोंग की गई है, ठीक है? जब कोई भी आपस में अपोजिट होंगे वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है? आ गई बात समझ में? यही बात आपको समझानी थी। अब चलते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विच कंटेन्स टू पॉइंट्स, ठीक है? अब हमें बताना है कि टू, जहाँ पर टू पॉइंट्स है ना, उसके अपोजिट कितने होंगे। अब यहाँ पर भी जो ऑप्शंस हैं ये रोंग किए गए, ठीक है? यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं ये रोंग है। ये क्वेश्चंस भी मैंने एनटीएससी प्रीवियस ईयर के उठाए थे, ठीक है? ये दो क्वेश्चन रोंग थे, ठीक है? आज मैंने इनको देखा था तो ये क्या है? रोंग क्वेश्चंस है। इनकी वजह से हमारी पिछली वीडियो खराब हो गई थी। यहाँ पर देखते हैं, हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विच कंटेन्स टू पॉइंट्स। हमें बताना है कि टू पॉइंट्स के अपोजिट कितने पॉइंट होंगे। तो कोई भी दो केस ले लेते हैं हम। यहाँ पर मान लो ये दो केस लेते हैं, यहाँ पर टू है, थ्री है और फाइव है। टू है, थ्री है, वन है, ये नहीं ले सकते। हमें देखना है जहाँ पर वन फेस कॉमन हो, ठीक है? वन फेस किस किस का कॉमन है? वन फेस है इन दोनों का। यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर सिक्स है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर फोर है। सिर्फ एक फेस कॉमन है, वन वाला, ठीक है? तो वन को यहाँ पर लिख लिया। अब हम चले क्लॉकवाइज, तो वन के आगे क्या है? टू है। और टू के आगे है थ्री, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वन के आगे आएगा सिक्स और सिक्स के आगे आएगा फोर। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू के अपोजिट क्या है? सिक्स है। और थ्री के अपोजिट है फोर। और वन के अपोजिट क्या आएगा? तो वन के अपोजिट सिर्फ एक नंबर बचा है, क्या? फाइव। तो वन के अपोजिट आएगा फाइव, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है कि टू पॉइंट्स के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है? जहाँ पर टू डॉट्स हैं उसके अपोजिट क्या आएगा? तो उसके अपोजिट आएगा सिक्स। टू के अपोजिट क्या आएगा? सिक्स आएगा। ये ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन को हम कर लेते हैं सिक्स, ठीक है? ये हो गया हमारा सिक्स, ठीक है? समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है फ्यू क्यूब्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, हाउ मैनी क्यूब्स आर अनसीन। यहां पर हमें एक डायग्राम दिया गया है क्यूब्स का, ठीक है? क्यूब्स के ऊपर क्यूब्स रखे हुए हैं। अब हमें बताना है कि कितने क्यूब यहाँ पर अनसीन है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे कि जब हम एक डाइस को काट देते हैं या फिर उनको कलर करते हैं तो कितने जो है फेस कलर्ड हैं, कितने फेस कलर्ड नहीं है, वो सभी हम एक और अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? बाकी इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितने क्यूब्स अनसीन है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं क्यूब्स। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे वाली की तरफ। अब हम बता सकते हैं कि इस लाइन में कितने क्यूब्स हैं, काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है? और छः, सॉरी, एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पर पाँच हो गए, इसमें इसमें कितने हो गए? पाँच हो गए। लेकिन
ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन ये बिल्कुल पैरेलल है इसके, तो उसमें भी पांच होंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि नीचे वाली जो फ्लोर है इसमें कितने हो गए, इसमें टोटल 10 क्यूब्स हो गए। समझ में आई बात। अब हम चलते हैं अगले वाली पे। यहाँ पर पांच इसमें हो गए और पांच पीछे वाली में जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, उसमें भी कितने हो गए, इसमें भी हो गए 10, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वाली में। इस वाली में देखो, 1 2 3 4, चार इसमें है, चार उसके अपोजिट कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम सभी को सीन कर पा रहे हैं तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें आ गए 4, ठीक है। अब हम टोटल बता सकते हैं कि कितने क्यूब्स हैं। टोटल हो गए 20 28 और 4 32, टोटल क्यूब्स हो गए 32, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कितने क्यूब्स अनसीन हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जितने फेस हम देख पा रहे हैं वो हम इसमें से घटा देंगे, तो क्या होगा, जितने फेस हम नहीं देख पा रहे हैं वो आ जाएंगे। देख लो, इसमें कोई साइंस रॉकेट नहीं लगानी है, हमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 हम सीन कर पा रहे हैं नीचे वाली में, तो हमने माइनस कर दिया 6, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर वाली में। इसमें हम कितने देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो पूरा है ना, और ये वाला 6, इसमें भी हम 6 देख पा रहे हैं, तो ये हमने माइनस कर दिया 6। अब यहाँ पर चलते हैं, 1 2 3 4 और 5, इसमें हम कितने काउंट देख पा रहे हैं, 5 देख पा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वाली में तो हम सभी देख पा रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और 4 सभी देख पा रहे हैं, तो ये हमने कर दिया माइनस। यहाँ पर कितना बचा, 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 और 3 11, यानी कि 11 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कितने काउंट किए हमने, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और एक ये वाला 6, यहाँ पर 6 काउंट किए हैं हमने, 6 हम सीन कर पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हमने छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पर 6 है, तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। हमने कितने अनसीन बचे, 10 बचे, 2 4 4, 8 और 2 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, ये वाला। समझ में आया। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी क्यूब्स हैं सभी को पहले काउंट कर लो, और अगर अनसीन पूछे हैं तो क्या करेंगे, जो सीन कर पा रहे हैं वो उसमें से टोटल में से घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसीन क्यूब्स का जो संख्या है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। अगली क्लास में हम करेंगे क्यूब्स को जब हम काट देते हैं या उनको जब हम कलर्स करते हैं, तो कितने फेस पे कौन सा कलर है, कितने नंबर हैं, ये सभी हम अगली वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।